हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमके ऑनलाइन जानकारी में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाले हैं जो आप किसी फ़ोटो पर नाम और डेट ऑफ बर्थ हो या फोटो का तारीख हो कैसे डाल सकते हैं, तो पूरे हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरे देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को हम ओपन कर लेंगे फ़ोटोशॉप में। अगर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको बनाना सीखना है तो हम आई बटन में लिंक डाल दिए हैं, जहां से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दिए हैं जहां से आप वीडियो को देख सकते हैं, जो पासपोर्ट फ़ोटो कैसे बना सकते हैं, जिसका लिंक जो है आई बटन में भी है, यहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हो। तो इस तरह से हम फ़ोटोशॉप में फ़ोटो को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के लिए यहाँ पर 33 mm और हाइट में 43 mm डालना है, रेगुलेशन 300 डालना है, और इस तरह से फ़ोटो को क्रॉप कर लेंगे। सबसे पहले फ़ोटो को क्रॉप करेंगे, क्रॉप करने के बाद नीचे में नाम और डेट डालना है, डेट हो या डेट ऑफ बर्थ हो, जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, फ़ोटो क्रॉप कर लें। क्रॉप करने के बाद अगर ऊपर में आपको यहाँ पर स्पेस दिखाई दे तो स्पेस को क्या करेंगे, नीचे थोड़े क्रॉप कर लेंगे ताकि नीचे में स्पेस बन जाए। अगर नीचा स्पेस नहीं है फिर भी आप नाम डेट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, वाइट बैलेंस लेना है बैकग्राउंड के लिए, तो यहाँ पर वाइट कलर सेलेक्ट कर लिए हैं और ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस पॉइंट्स को नीचे करेंगे क्रॉप वाले को, तो क्रॉप और ओके करेंगे, तो नीचे में ये क्रॉप हो गया है, कुछ स्पेस बन गया है। अगर और स्पेस आपको लेना है तो यहाँ से मैं लासो टूल लेना है और जितना भी स्पेस में आपको सेलेक्ट करना है इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और डिलीट बटन दबाएंगे। तो इस तरह से जितना भी स्पेस आपको चाहिए वो क्रॉप कर लेंगे, और क्रॉप इस तरह से हो गया है और यहाँ पर आप देख पाएंगे जो कि वाइट बैलेंस हो गया है। और इसके बाद यहाँ से टूल लेंगे, टाइप टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल यहाँ से ले लेंगे, और जो भी कलर जैसे ब्लैक में आपको लिखना है हमको, तो यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे नाम लिखना है तो नाम अगर छोटे अक्षर में लिखना है तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स को छोटा कर लेंगे, ताकि अभी आप देख पाएंगे जो कि कुछ बड़ा है, तो इसलिए यहाँ से कुछ छोटा कर लेंगे। तो जो भी साइज में आपको रखना है वो यहाँ से साइज को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे इसका नाम हमको लिखना है अभय कुमार, इस तरह से अभय कुमार लिख दिए हैं। फिर यहाँ से मूव टूल लेना है, और मूव टूल लेने के बाद जहाँ भी इसे मूव करना है मूव कर सकते हो। ये तो नाम हो गया, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लेंगे, और फिर नीचे में जैसे डेट हमको आज का डालना है तो फिर नीचे में क्लिक करेंगे, इसे और थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि नीचे और स्पेस बन जाए। तो फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल टाइप टूल ले लिए हैं, जैसे आज का अगर डेट डालना है या जो भी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए हमको डालना है तो डेट ऑफ बर्थ ही हम यहाँ पर डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ हो गया, अगर इस अक्षर को अगर छोटा और करना है तो यहाँ से उसी टूल के माध्यम से क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा छोटा कर देंगे, तो इस तरह से ये छोटा हो गया। अगर इसे भी हमको छोटा करना है तो लेयर वन पर जाएंगे, जो भी नाम लिखा हुआ है इसे भी हम
छोटा कर देंगे। तो जो भी साइज में आपको रखना है वो रख सकते हैं, और नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे डेट हो, कुछ भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हमको क्या करना है, इमेज में जाना है, मोड पर क्लिक करना है और लैब कलर पर क्लिक कर देंगे। फ्लैट टेन पर क्लिक करेंगे, फिर इमेज में जाना है, मोड पर क्लिक करना है, आरजीबी कलर पर क्लिक कर देना है। इस तरह से फोटो और जो भी हम लिखे हैं वो सब अटैच एक साथ हो गया है। अब हमको बॉर्डर भी डालना है। बॉर्डर डालने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट में जाएंगे, ऑल सेलेक्ट करेंगे, फिर सेलेक्ट में जाकर मॉडिफाई करना है, और बॉर्डर जितना भी परसेंटेज रखना है बॉर्डर परसेंटेज डाल के यहाँ से डिलीट दबाएंगे तो ये बॉर्डर भी लग गया। अब इसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो में अगर निकालना है तो इसे रोटेट करके नया पेज लेना है, और यहाँ पर 4x6 पर अगर निकालना है तो 4x6 पर निकालना है, तो नया पेज पर यहाँ से मूव टू लेंगे और मूव करके जितना भी साइज बनाना है वो आप बना सकते हो, 2 हो 4 हो 8 हो इस तरह से बना सकते हो। नहीं अगर आपको सिर्फ फॉर्म भरने के लिए ही डेट और नाम डालना है तो इस तरह से डाल देंगे, और फाइल में जाने के बाद सेव एज कर देंगे, ताकि इस फोटो को जहां भी हमको सेव करना है दूसरे नाम से, जहां भी हमें सेव करना है वो हम सेव कर सकते हैं। इस तरह से मान लीजिए हम डेस्कटॉप पर सेव किए हैं भाई फ़ोटो के नाम से, सेव करेंगे। अगर KB आपको छोट करना है तो इस वाले फाइल को, सॉरी स्मॉल, ये जो इसे कम बेसी करेंगे, KB छोट कम हो जाएगा, या इधर करेंगे तो KB बढ़ जाएगा। तो जो भी साइज में आपको KB रखना है वो KB भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 193 KB में ये सेव हो गया है। इसी फोटो को अगर मान लीजिए हमको कम KB में सेलेक्ट करना है तो फिर सेव एज करेंगे, इसे 1% पर ले जाएंगे। तो अभी हम आपको दिखला देते हैं जो 193 KB में है इसे कम कर देंगे, ओके करेंगे। तो यही फोटो जो है आप, सॉरी यहाँ पर दूसरे नाम से मान लीजिए सेव करके हम बतला देते हैं, तो यहाँ पर कम करेंगे 29 KB में ये सेव हो गया है। इस तरह से आप KB भी यहाँ से कम कर सकते हैं, और नाम, डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ यहाँ से आप डाल सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है। अगर पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप बनाना सीखना चाहते हो तो इस पर भी हम कंप्लीट वीडियो इसी फ़ोटो का हम बता दिए हैं, जिसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए हैं, और आई बटन में भी है, जहाँ से आप वीडियो को पूरे वॉच कर सकते हो जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।